हेलो फ्रेंड्स, द प्रो ट्रेन चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो भी प्रो लेवल की होगी, तो बने रहे चैनल में और वीडियो के एंड तक देखें, जिससे आप हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाए और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आज का हमारा टॉपिक है नींद ना आना, इसे इंग्लिश में इंसोमनिया कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से कारण हैं जिससे हमें नींद नहीं आती, और हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए, और हमें अच्छी नींद लेना क्यों जरूरी है। इसके अलावा कुछ फूड और नेचुरल सप्लीमेंट एंड गुड हैबिट जो हमें अच्छी नींद लेने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है, और कॉर्टिसोल जिसे स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। नींद के दौरान हमारी बॉडी कॉर्टिसोल स्ट्रेस लेवल हार्मोन को कम करता है जिससे हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और हमारे मसल्स ऑर्गन्स एंड इंटरनल रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अच्छी नींद न लेने के कारण हमारी बॉडी में मसल्स ऑर्गन्स को खुद को रिपेयर करने का टाइम नहीं मिल पाता, जिसके कारण हम वीक रहते हैं, हमारी हेल्थ भी खराब होती है। अच्छी नींद कैसे लें, इसके लिए पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमें नींद क्यों नहीं आती। नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपको कोई काम का टेंशन हो सकता है या कोई और टेंशन हो सकता है, सोने का टाइम शेड्यूल ना होना, ज्यादा कॉफी पीना या बिना टाइम के कॉफी पीना, अनहेल्दी खाना या फिर खाना सही तरह से डाइजेस्ट ना होना। अब हम देखेंगे नींद ना आने के कारण कि किन वजह से हमें नींद नहीं आती। स्ट्रेस लेना या ज्यादा सोचना, हम सभी को कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, चाहे वो काम का हो या किसी और चीज का। लगातार सोचने से, ओवरथिंकिंग से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है जिससे हमें नींद नहीं आती और हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है हमारा ज्यादा या बिना समय के कॉफी पीना। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, यह हमारे नींद को एंड स्लीपिंग आवर्स को डिले करता है जिससे हमें नींद नहीं आती। इसलिए हमें दोपहर के बाद या सोने के 6 से 8 घंटे पहले कॉफी नहीं पीनी चाहिए। थर्ड है सोने का टाइम फिक्स न होना। हमें दिन में सोना या किसी भी टाइम नहीं सोना चाहिए, इसके कारण हमें रात को नींद नहीं आती। जब हम अपने सोने के टाइम को शेड्यूल करते हैं, हमारे बॉडी को पता होता है कि यह बॉडी के रिलैक्स करने का टाइम है। हमारी बॉडी स्लीपिंग हार्मोन रिलीज करती है। सोने का समय फिक्स न होना भी नींद न आने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब हमें नींद आती है और हम उस समय कोई और काम कर रहे हो या मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं, हम नहीं सोते, इसके कारण हमारा स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाता है। क्योंकि जब हम बिना समय सोते हैं, हमारी बॉडी सोने का टाइम डिसाइड नहीं कर पाती, जिससे हमें नींद न आने की प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनहेल्दी खाना। हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए गुड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो। बहुत से फूड में गुड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी अच्छी नींद लेने में हेल्प करते हैं। अनहेल्दी फूड में हमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो हमें जरूरत होती है। गुड फूड और सप्लीमेंट को हम आगे वीडियो में देखेंगे जो हमारे नींद को बेहतर बनाते हैं, तो बने रहे साथ में। तो अगला पॉइंट है हमारा फूड डाइजेस्ट न होना। फूड डाइजेस्ट न होने के कई कारण हो सकते हैं। रात को हैवी डिनर करना या हाई फाइबर फूड खाना। हमारी बॉडी रात को स्लीपिंग मोड में जाके खुद को रिपेयर करती है, हमारे मसल्स ऑर्गन्स एयर हार्मोन्स को बैलेंस करती है। रात में हमें हल्का लाइट खाना चाहिए। हम रात को सोते टाइम हैवी खाना या हाई फाइबर खाते हैं जिससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। फाइबर हमारे फूड को स्लो डाइजेस्ट करता है जिससे हमें लंबे समय तक एनर्जी मिलती है, इसलिए हमें इसे मॉर्निंग या दोपहर में खाना चाहिए। अब हम देखेंगे टॉप फूड जो हमें रात को सोने से पहले खाने चाहिए। पहला है हमारा व्हाइट राइस। व्हाइट राइस में हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है जो हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है और हमारा इंसुलिन बढ़ाता है, जो हेल्प करता है ट्रिप्टोफैन को माइंड में फास्ट वर्क करने के लिए, जिससे हमें नींद जल्दी आती है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा चेरी। चेरी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो हमें अच्छी नींद में हेल्प करता है। आप सोने से पहले चेरी का जूस पी सकते हैं या आप चेरी खा सकते हैं। इसके अलावा चेरी आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है,
कार्डियोवैस्कुलर डाइजेशन को प्रिवेंट करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो हमारे स्किन को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है, जिससे हम यंग दिखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स, बनाना एंड कीवी। बनाना एक अच्छा फ्रूट है, ये खुद में एक कंप्लीट फूड है। इसमें कई विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन पाया जाता है, जो आपकी नींद के लिए काफी अच्छा है। बनाना हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है और मसल्स क्रैम्प होने से बचाता है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, रात में गर्म दूध पीने से या दही खाने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है। हमें दूध में ट्रिप्टोफैन एंड मेलाटोनिन होता है, जो हमें अच्छी नींद लेने में हेल्प करता है। तो अगला पॉइंट है हमारा नट्स। नट्स जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, इन सभी में मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन होता है, जो हमारे बॉडी में सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है, जो हमें अच्छी नींद लेने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कुछ लाइफस्टाइल। सोने से पहले गर्म पानी से नहाएं। रात को सोने से 2 घंटे पहले हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और मन शांत होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड सोने के टाइम हल्का एंड पॉजिटिव फील करता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। तो दूसरा पॉइंट है सोते टाइम म्यूजिक सुनना। स्लो म्यूजिक हमारे हार्ट रेट को कम करता है और हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है। म्यूजिक हमारे एंजाइटी एंड स्ट्रेस को कम करता है, जिससे हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। म्यूजिक सुनने से हमारा माइंड शांत होता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। तो अगला पॉइंट है हमारा हर रोज वर्कआउट या योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना। वर्कआउट, योगा या कोई और फिजिकल एक्टिविटी हमें हेल्दी और फिट बनाती है, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग और हेल्दी रहती है। इसके अलावा यह हमें अच्छी नींद लेने में भी मदद करता है। देखते हैं कैसे। जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इसके बाद आफ्टर वर्कआउट जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरता है, तब हमारी बॉडी में हमें थकान महसूस होती है और हमें आराम की जरूरत होती है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्स। सेक्स हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही प्राइवेट टॉपिक है, लोग इस बारे में खुल के बात नहीं करते। पर मैं आपको बता दूं कि सेक्स हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। यह हमें अच्छी नींद लेने में हेल्प करता है। सेक्स करने से हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हमें गुड फील कराता है, जैसा कि ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, जो हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है और अच्छी नींद लेने में भी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कुछ नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, जैसे कि ब्राह्मी। ब्राह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमें अच्छी नींद लेने में हेल्प करता है। यह हमारे इमोशन को शांत करता है और कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है और माइंड को अलर्ट करता है। आयुर्वेद में ब्राह्मी को ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं। यह हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और ब्रेन की रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बॉडी को नेचुरली हील करता है। तो दूसरा सप्लीमेंट है हमारा शंख पुष्पी। शंख पुष्पी में फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसिड्स और एल्कलॉइड्स पाया जाता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और मेंटल फटीग मतलब मानसिक थकान में हेल्प करता है, जो हमारे नींद को बेहतर बनाता है। तो तीसरा है हमारा वसा। वसा एक ऐसा हर्ब है जो हमारे ब्रेन को शांत करता है, तनाव को दूर करता है, अनिद्रा यानी इंसोम्निया में हेल्प करता है। यह एक कूलेंट के रूप में काम करता है, जो हमारे नसों को शिथिल करता है, जो हमारे नींद को बढ़ाता है। साइंटिफिकली इसे एक्यूरस क्लैमस के रूप में जाना जाता है। यह नर्व सिस्टम टॉनिक है, जो हमारे स्ट्रेस को दूर करता है। तो चौथा पॉइंट है हमारा शर्पगंधा। शर्पगंधा को हम इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी जानते हैं। शर्पगंधा में 50 से भी ज्यादा एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हमारे नींद की समस्या पैदा कर सकता है। एल्कलॉइड्स हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे हमें सोने में आसानी होती है। तो पांचवा पॉइंट है हमारा अश्वगंधा।
थ्रेटिलीन ग्लाइकोल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो हमें स्ट्रेस से बचाता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम करता है और एंजाइटी यानी घबराहट को कम करता है, हमारा मेंटल फोकस बढ़ाता है, फूड क्रेविंग कम करता है, थकान दूर करता है और अच्छी नींद लेने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा यह मसल रिकवरी और ताकत को भी बढ़ाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। इसमें हमने देखा टॉप लाइफस्टाइल, टॉप फूड और कुछ टॉप नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो हमें अच्छी नींद लेने में हेल्प करता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।